हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लाना टेलरिंग। आज इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैक नेक डिज़ाइन बताने वाले हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। लेंथ मैंने 1.5 इंच लिया है, चौड़ाई मैंने नेक की 4 इंच ली है, इस तरह से मैंने चेस्ट 10 इंच लिया है, कमर मैंने 9 इंच। पर यहाँ पर हम सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं गले की चौड़ाई 1.5 इंच पर लूँगी और पट्टी मैं 4 इंच पर। तो इस तरह से लेते हुए मैं निशान लगा लूँगी और यहाँ पर मैं बॉक्स बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बॉक्स बना लिया है। इसी तरह से आप भी बॉक्स बना लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इसको पलटकर हाथों से प्रेस कर लेंगे और मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक पर मार्क कर लिया है, निशान बना लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे नेक को। तो आप भी इसी तरह से शेप दे दीजिएगा नेक पर। तो यहाँ पर मैंने नेक को शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक को ले लेंगे और उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे जो हमने नेक पर शेप दिया है। तो इस तरह से रख कर हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से आप भी सिलाई लगा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने नेक पर सिलाई लगा लिया है। जो पिन लगाया था उसको हम रिमूव कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमको छोटा छोटा कट लगा लेना है नेक पर। इस तरह से कट लगाने से कपड़ा जो है आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। अब हम इसको सीधा पलटते हुए नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे नेक पर हमको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। आप भी इसी तरह से नेक पर सिलाई लगा लीजिएगा। नेक पर यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम पलट लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रखते हुए पूरे चारों तरफ से हमको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया है। यहाँ पर हम कमर पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा लिया हुआ था, उसी को हम फोल्ड करके इस तरह से कमर पर सिलाई लगा लेंगे। आप भी इसी तरह से कमर पर सिलाई लगा लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने कमर पर सिलाई लगा लिया इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे, इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लिया है मैंने यहाँ पर। इसको हम कोई निकली चीज़ लेकर इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच लेते हुए कट कर लूँगी। तो इसी तरह से आप भी कटिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और यहाँ पर हम नेक पर लेस अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैं नेक पर लेस को रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने नेक पर सिलाई लगा लिया है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर पेपर ले लेंगे इस तरह से और जो हमने फैब्रिक कट किया था उसको रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम यहाँ पर लेस ले लेंगे और उसको भी रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से आपको लेस को रख लेना है और सिलाई लगा लेना है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमको दोनों तरफ से लेस को लगाकर सिलाई कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको बैक पार्ट पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम बैक पार्ट पर इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर डोरी अटैच कर लेंगे। तो मैंने डोरी भी अटैच कर लिया है सिलाई करके। अब हम बैक पार्ट पर टक्स लगा लेंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से टक्स लगा लेना है और जो हमने पेपर लगाया था उसको रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा बैक पार्ट बनके तैयार हो चुका है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और जो भी नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना इसी तरह नए नए वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।